आइए दोस्तों कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आइडेंटिटीज ऐसे होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर वन होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। ये तीन आइडेंटिटीज याद रखोगे तो बाकी वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैसे कि ये अगर याद है तो साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है। तो साइन स्क्वायर निकालना, ये साइन स्क्वायर ले लेंगे इधर इस साइड में और बाकी वाला इक्वल टू के उस साइड में भेज देंगे, तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए, मैंने यही किया है। उसके बाद कोस स्क्वायर ए पता करना है, कोस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से वन प्लस टेन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी याद है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है इधर रख लो, बाकी वाला माइनस में दे दो। उसी तरीके से सेक स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, सेक स्क्वायर नहीं, वन की वैल्यू पता करनी है इसकी, वन की, तो वन कैसे होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या आ गया, वन आ गया। इसी तरीके से ये आइडेंटिटी याद करोगे तो हो जाएगा वन प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, यानी कि कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोट स्क्वायर ए की वैल्यू कैसे पता करनी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और वन की वैल्यू पता करनी है तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट ए स्क्वायर इजिकल टू वन। ठीक है, तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके रिगार्डिंग जो आपने अभी टेबल पढ़ी थी, टेबल यूज कहाँ पे आएगी कैसे आएगी वो चीज़ करवा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन टफ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है, वो करवा देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है वो मैं करवा देता हूँ। फाइव कोस स्क्वायर सिक्सटी प्लस फोर सेक स्क्वायर थर्टी माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर थर्टी प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए दिख रहा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू अपन वन मान ले। यहाँ पे वैल्यू पुट करके अपन इतने नहीं कोशिश करेंगे, अगर करनी है तो भी कर सकते हो अपन, अलग से देख लो। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू की, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, और कोस 30 की वैल्यू होती थी √3/2 का स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 3/4, बेस सेम है, ऊपर जोड़ दो इसको तो 4/4 वन आएगा। तो साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, वन ही होती है। ऊपर वाला सॉल्व कर लो, फाइव कोस स्क्वायर सिक्सटी, कोस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 टू का स्क्वायर प्लस फोर मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थर्टी, सेक थर्टी यानी कि सेक थर्टी, सेक का वैल्यू किसके, सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, 1/cos है, तो cos 30 की वैल्यू बताया आप लोगों को कितनी होती है, √3/2, तो 2 ऊपर चला गया 2/√3, यानी कि sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। नीचे 1 था, लिखूँ कि नहीं लिखूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 हो गया था। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 × 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर कैसे, पूरा अलग से लिख दूँ एक बार एक क्वेश्चन को, तो 5 × 1/4 स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4/3, क्योंकि √3 है और 2/√3, इनकी इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, नीचे वाली वैल्यू वैसे के वैसे आ जाती है, और इसका डबल कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे दो बार -1, तो क्या आ गया, 5/4 प्लस 4 × 16/3 -1। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 12, 4 × 12 में भाग कितनी बार, 3 बार, 5 × 3 = 15 प्लस 3 × 4 बार, 4 × 16 माइनस 12 में 1, यहाँ पे क्या है, 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 × 1 = 12, तो ये कितना हो गया, 15 प्लस 64 -1/12। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो
तो कितना हो गया, 5 4 5 9 और 6 1 7 -1/12, इनकी 78/12। अब इसको जहाँ तक सॉल्व हो सके क्रॉस हो तो काट दो, 2 से काट दो या 3 से काट दो, जितना कट रहा काट दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये सेकंड का थर्ड है, वो मैं करवा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप का तुम्हारे एग्जाम के अंदर आ सकता है, साइन 2a इजिकल टू 2 sin a। और वहाँ पे ऑप्शन दे रहेगा अपने को 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है। फिर तीसरा क्वेश्चन करूँगा मैं, 10a+b इजिकल टू √3 और 10a-b इजिकल टू 1/√3। थीटा ए प्लस बी की वैल्यू इसके बीच होनी चाहिए और ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। देखिए इस तरीके के एक सेकेंड का थर्ड दे रखा, साइन 2a वैल्यू बराबर किसके होगी, 2 sin a के। तो ये पूछना चाह रहा है कि इन ये जो वैल्यू है कब बराबर होगी, कौन से एंगल पे, यानी कि a की वैल्यू क्या ले जिससे ये दोनों बराबर आ जाए। तो सबसे पहले अपन d से चेक करते हैं, ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, बाकी कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास अभी तो। हाल फिलहाल 10th पढ़ रहे हो तब तक, तो बाकी आगे बढ़ोगे तब आ जाएगा। ठीक है, तो अब डी में कितनी वैल्यू देखिए, 60 एंगल, ए की वैल्यू 60 लेते हैं। ए की वैल्यू 60 लेंगे तो क्या हो गया, साइन 2a यानी कि 2a 2 × 60 डिग्री इजिकल टू 2 sin 60 डिग्री। ठीक है, 2 × 60 कितना हो गया, साइन आ गया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री अपने वैल्यू ही नहीं पड़ी, तो क्या बी 120 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 90+30 लिख सकते हैं ना। तो 90+30 तो साइन के अंदर अगर 90+30 करेंगे, साइन 90+30 तो क्या आ जाएगा, कोस 30 हो जाएगा। अब कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब इसके अंदर 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इधर आ रहा है √3, इधर आ रहा है 1/2, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं अपने इसी तरीके से, नेक्स्ट ऑप्शन अपन लेते हैं 45 लेंगे तो साइन 2 × 45 और 2 sin 45 डिग्री। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 इधर 2 इधर, साइन कितनी हो गया 90 वैल्यू, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या 1 और ये बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं अपन, आप 30 से चेक करना, मैं 0 बड़ा करवा रहा हूँ। ठीक है, साइन 2 × 0 डिग्री इजिकल टू 2 sin 0 डिग्री। तो साइन 2 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, 0 हो गया, साइन 0 × 2 × sin 0। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और यहाँ 2 × sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 इजिकल टू 0, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अपने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टेन ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है रूट थ्री और टेन ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है वन अपॉन रूट थ्री, और ये बोला गया है कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर दोनों को जोड़ेंगे तो भी जीरो और नब्बे के बीच में ही रहेगी, इससे बड़ी नहीं होगी। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए बड़ा है बी से, यानी कि ए अगर 60 आता है तो बी 30 आएगा, ए 45 आएगा, 45 तो 45 आएगा तो बी भी 45 बड़ा आएगा, बराबर भी नहीं आएगा, बड़ा आएगा हमेशा, 45 नहीं आएगा, ठीक है इस तरीके से। अब आगे चलते हैं, तो अपन टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री। अब अपने को पता है, और एक अपने को देगा टेन ए माइनस बी बराबर वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो टेन रूट थ्री वैल्यू कब देता है, कितनी डिग्री पे देता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देता है टेन रूट थ्री की वैल्यू, टेबल के अंदर पता करोगे तो तुम्हारे पास टेबल के अंदर पता आ जाएगा, पता चल जाएगा कि देखो सबसे पहले जीरो, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू और वन, ये वापस वन वाइस वर्सा हो जाएगा, वन बाई रूट टू, वन बाई टू और ज़ीरो। अब टेन रूट थ्री कब देगा, ये टेन की वैल्यू यहाँ पर निकाल दूँ मैं वन अपॉन में, तो ये ज़ीरो, ये कितना आ गया वन अपॉन रूट थ्री, ये कितना आ गया वन, ये आ गया रूट थ्री और ये आ गया इनफाइनाइट। तो रूट थ्री कब देगा, 60 डिग्री पे। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसके अंदर जो वैल्यू है वो 60 डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री का 60 डिग्री के बराबर है, इक्वेशन नंबर एक। दूसरा ए माइनस बी है, वन अपॉन रूट थ्री कब होता है, जब 30 डिग्री एंगल होता है, दूसरी इक्वेशन है। अब अपने पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, तो अपने को एलिमिनेशन मेथड पता था, एलिमिनेट कर दें इसको, तो इसको ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 2b, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ना हो गया, अब क्या है प्लस का, इसको प्लस कंसिडर क्या करेंगे प्लस, तो b प्लस बी 2b, और यहाँ पे ये माइनस प्लस का ना हो गया माइनस का, 60 में से 30 गया कितना हो गए 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, 30 अपॉन 2 कितना आ गया 15 डिग्री। इसी तरीके से अपन b की वैल्यू यहाँ रख के ए प्लस बी में वैल्यू रख के बी की वैल्यू 15 रखेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 15 डिग्री इजिकल टू 60 डिग्री, तो ए बराबर 60 माइनस 15 तो कितना आ गया 45 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आ गई 45, बी की वैल्यू कितनी होगी 15, ए बड़ा है बी से, बस ये क्वेश्चन था।